Namaskar guys, welcome to your channel Traveling is the Life. आज ये गोवा सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है जहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ गया हूँ। कैंडोलिम बीच के पास में एक डॉल्फिन पॉइंट है तो वहाँ पे मैं घूमने गया और ये एक बोट राइड है, लगभग आधे घंटे की राइड होगी आना जाना दोनों मिला करके और पर पर्सन कुछ 300 रुपये उसका चार्ज लगा था। एक बोट में करीब 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहती है, छोटी बोट होती है। यामाहा कंपनी का एक छोटा सा इंजन होता है जिसके थ्रू ये बोट आगे पीछे होती है। तो सेफ्टी के लिए वहाँ पे जो फोम टाइप का जो रहता है जो पानी में तैरने में यूज में आता है तो वो एक बोट वाले जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। बाकी उतनी सेफ तो नहीं बोल सकते, काफ़ी सेफ बोट नहीं होती है, बट फिर भी ज़्यादा जो कि समुद्र में बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है और आने जाने वाली बोट बहुत ज़्यादा रहती है तो उतना रिस्क नहीं है जाने के लिए। अगर कुछ होता भी है तो बाई चांस ये लोग बोट वाले इतने लोग रहते हैं आसपास कि वो आराम से बचा सकते हैं इंसान को। तो आगे हमारी जर्नी चालू होती है डॉल्फिन देखने के लिए। काफ़ी एक्साइटमेंट था मेरे लिए, काफ़ी एक्साइटिंग था क्योंकि मैं पहली बार बोट से ऐसे समुद्र में जा रहा था, समुद्र में यात्रा करने जा रहा था तो काफ़ी एक्साइटेड था मैं। बाकी जो व्यू था वाकई लाजवाब था वहाँ पे। आगे आप वीडियो में देखेंगे कैसे जो अवगाड़ा फोर्ट है वो भी ऊपर में ऐसे दिखेगा साइड में और नीचे में एक पुराना पैलेस टाइप का है जो बिल्डिंग दिखेगा। वहाँ पे ऐसे बहुत सारी बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं वो भी शूटिंग वगैरह हो चुकी है वहाँ। तो जो बोट लेके जा रहा था वो सेलर, उसने बताया था ना, मैं मूवी का नाम तो भूल गया बट ये ऐसे दिखा था कई सारी मूवीज़ में ऐसे दिखा हुआ है। तो ज़बरदस्त शानदार व्यू है वहाँ से देखने में। महल के बारे में मैं बात कर रहा था जो कि बॉलीवुड मूवीज़ में देखे होंगे आपने कई बार, तो यही बिल्डिंग है जो ऐसे महल की तरह दिख रहा है। जस्ट ये अरेबियन सी स्टार्ट होता है कैंडोलिम बीच के पास से तो वहीं पे बना हुआ है, काफ़ी शानदार। अगर वहाँ पे अगर कोई इंसान रहे और जैसे सामने समुद्र का व्यू हो तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा लगेगा वहाँ से देखने में, इतना सुंदर देखने। ये आपको घोड़ा जो किला है वो सामने दिख रहा होगा आपको ऊपर में, ऐसे उसी के पास में नीचे में इसको जो बिल्डिंग दिख रही होगी आपको छोटे छोटे, ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम में कुछ जेल वगैरह था यहाँ पे, जो कि बंदी होते थे उनको यहाँ पे रखा जाता था।
जैसे जैसे पास बढ़ते जा रहे हैं हम लोग डॉल्फिन पॉइंट पे, तो एक्साइटमेंट जो है जितने लोग थे वहाँ पे काफ़ी बढ़ता जा रहा है। मैं भी एक्साइटेड हूँ, जो मेरे चाइनीज दोस्त के साथ में वो भी एक्साइटेड हैं। पूरे बोट पे चारों तरफ लोग एक्साइट होकर देख रहे हैं, कहीं से दिख जाए कहीं से दिख जाए डॉल्फिन। तो ये एक्साइटमेंट का दौर अभी चालू है सबके बीच में। अभी जो है डॉल्फिन पॉइंट जो है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और बोट भी स्लो कर रखी है ताकि कहीं दिख जाए। सभी लोग इधर उधर नहीं आए, अभी लगाए बैठे हैं, कहीं से डॉल्फिन दिख जाए कहीं से दिख जाए। यहाँ पे डॉल्फिन दिखी ऊपर आते हुए, सामने से मुझे भी दिखी, इस साइड हम लोग बैठे थे सामने से ऊपर आई थी। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, एक प्रकृति का रहस्य जो बोले कि इतने गहरे समुद्र में भी जीव होते हैं। तो पहली बार ऐसे सामने से मैंने भी डॉल्फिन देखा, काफ़ी पहले से एक्साइट था लेकिन देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगा कि ये भी एक प्रकृति का नज़ारा है। हम लोग ऐसे गुहा पे रहते हैं, अस्तर ज़मीन पे, यहाँ पे मिट्टी है और ये एक प्रकृति का बनाया हुआ जानवर है जो कि पानी के अंदर रहता है, फिर भी इतने मनुष्यों साथ में एक साथ प्यार करता है कि उनको देखने के लिए ऊपर आ जाता है ऐसे। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा देखने के बाद। काफ़ी देर बोट रुकी भी रही, इंतजार भी किया कि शायद डॉल्फिन फिर से ऊपर आए, बट थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बोट फिर आगे बढ़ी और हम लोग वापस फिर आ गए। डॉल्फिन फिर ऊपर नहीं आई, देखने के इंतजार में सब लोग थे कि थोड़ा और अच्छे से क्लियर से दिखे। थोड़ी देर ऊपर आके रुके लेकिन इतनी सारी बोट थी कि डॉल्फिन क्या आएगी ऊपर में, तो फिर हम लोग वापस चले गए।